जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे पास कल शाम को अनएकेडमी संस्था से फ़ोन आया था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि सर आप धीरज सर बोल रहे हो? तो मैंने बोला जी हाँ मैं धीरज सर बोल रहा हूँ। तो वो मैं बोला आप कौन बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं अनएकेडमी संस्था से बोल रहा हूँ सर, आपका मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे पढ़ाते हो सर, बहुत बेस्ट पढ़ाते हो आप, आपके पढ़ाने का जो तरीका है बहुत बेस्ट है सर, आपके कंटेंट बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैंने बोला धन्यवाद सर तारीफ़ करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आपकी रियलिटी बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो यूट्यूब पे, तो मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं अनएकेडमी संस्था से बोल रहा हूँ, मैं न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, क्या आप मेरे संस्था में पढ़ाओगे? तो मैं बोला देखिए सर, मैं टीचर की तैयारी करता हूँ और पार्ट टाइम में यूट्यूब पर मैं पढ़ाता भी हूँ बच्चों को। तो बोले सर आप बहुत बेस्ट पढ़ाते हो सर, आपके मुझे ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, सिर्फ 2 घंटे समय चाहिए, यदि आप मुझे 2 घंटे दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। तो दोस्तों मैं उनसे बोला कि देखिए मेरे ऊपर सब कुछ निर्भर नहीं करता, आज मैं जो भी कुछ हूँ अब मैं मेरी ऑडियंस की वजह से हूँ, मेरे स्टूडेंट की वजह से हूँ, मेरे दोस्तों की वजह से हूँ, आज उन्होंने इतना मुझे प्यार और सपोर्ट किया तब जाके मैं इस पोजीशन पर पहुँचा हूँ। दोस्तों पहले मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मुझे अनएकेडमी संस्था से फ़ोन आया था। तो दोस्तों इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो दोस्तों मैं आपसे यही पूछना था मुझे कि मैं अनएकेडमी संस्था पे पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग मुझसे यही पढ़ना पसंद करोगे कि मैं अनएकेडमी संस्था पे पढ़ाऊँ, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं बता दूँ, अपनी राय बता दूँ, मेरा 80% माइंड है कि मैं आपको यहीं इसी चैनल पे पढ़ाऊँ, ठीक है, अनएकेडमी मेरा पढ़ाने का मन नहीं। फिर उन्होंने कहा यह कि सर मैं आपको 1 घंटे का 1500 रुपये दूंगा, वो भी पर डे का, आपको 2 घंटे समय देना, यानी 3000 रुपये मैं पर डे आपको दूंगा, और आप मंथली को सोच सकते हैं कितना पैसा आपका होगा। सर मैंने बोला सर मुझे पैसे की लालच नहीं है सर, मैं पैसे के लिए यहाँ पे नहीं पढ़ाने के लिए आया हूँ। देखिए सर आज मैं अगर कुछ भी हूँ तो मेरा ऑडियंस यहाँ तक लेके आया है, मैं बिना ऑडियंस के राय विचार जाने हुए मैं खुद से कदम नहीं उठा सकता। तो उन्होंने बोला ठीक है अपने ऑडियंस से आप राय विचार ले लीजिए। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मेरा 80% जो है वो नहीं कह रहा है कि वहाँ पढ़ाने के लिए। आप लोग अपना राय और विचार जरूर दीजिएगा कि आप लोग यहीं पढ़ना पसंद करोगे या मैं वहाँ पे अनएकेडमी संस्था को ज्वाइन कर लूँ, ठीक है, मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको फ्री में ऑल सब्जेक्ट के कोर्स मिलते हैं, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।